हजारीबाग पुराना एसपी ऑफिस कार्यालय में साइबर अपराध थाना का उद्घाटन किया गया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि अब सभी तरह के साइबर से संबंधित अपराध को साइबर थाना में दर्ज किया जाएगा। अब लोगों को साइबर अपराध से संबंधित किसी भी थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइबर क्राइम से जो भी संबंधित जो भी अपराध है साइबर थाना में दर्ज होगा। साइबर थाना में सिर्फ साइबर क्राइम से संबंधित मामले का निष्पादन किया जाएगा, जिसमें अनुसंधान करने में गुणवत्ता आएगी। साइबर थाना का एक्चुअली साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में FIR दर्ज किया जाता था। अब है कि स्पेशली ये साइबर थाना सिर्फ साइबर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और लोगों को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है। और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केसेज है उसका अनुसंधान करना है। सर, हाल के दिनों में देखा जाए तो साइबर का अपराध का तरीका बदला है, साइबर अपराध अधिक हुआ है, तो क्या आम लोगों से क्या अपील है, कैसे और बचे साइबर अपराध से? ये हमारा अपील ये होगा कि जितने भी जो फोन पर माने तरह तरह के क्या बोलते हैं उसको गलत तरीके से फोन आते हैं कि आप अपना कोड बताएं, बिजली बिल का नंबर बताएं, ये बताएं, तरह तरह का वो हथकंडा अपनाता है, तो उससे काइंडली बचें। कोई बैंक वाला आपसे मोबाइल पर किसी तरह का अकाउंट्स वगैरह नहीं मांगता है। जो बिल वगैरह आता है उसमें भी आपको सचेत किया जाता है कि उसका आप लोग नंबर वगैरह नहीं दें। तो हम अपील करते हैं कि कम से कम ये सबसे आप लोग बचें, नंबर देने से, अकाउंट नंबर देने से। या हम बहुत बार सुनते हैं कि आपका बच्चा पकड़ा गया है, किसी आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया है, आप इतना रुपया देंगे तो हम छोड़ देंगे। ये कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि आपका बच्चा मेरे लॉकअप में बंद है, ये टोटली फ्रॉड होता है। ये सब चीज़ों से बचें। सबसे पहली बात है कि अगर कोई बताता है कि आपका बच्चा इस केस में पकड़ा गया है तो पहले तो बच्चों को बच्चा से बात करें ना कि आपका बच्चा है क्या। अगर मान लीजिए वो बच्चा कहीं बाहर गया है या जो भी पता लगा लें पहले कि सही में उसके साथ कभी आता है कि किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है, कभी आता है आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया है, कभी आता है कि ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, तो पहले अपना वेरीफाई कर लें, न कि आप सिर्फ कि इतना पैसा भेज दीजिए तो आपके बच्चे को छोड़ देंगे। ये सब सारी के मतलब ये आपका एक तरह से साइबर फ्रॉड है और इसे बचे। सर, एक साइबर क्राइम .gov.in में ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता था, जब भी हम लोग साइबर का मामला आता था लोगों को यही बताते थे, तो क्या पहले ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा या डायरेक्ट यहाँ पे आके आवेदन देना? नहीं नहीं, डायरेक्ट आप आवेदन देके यहाँ पर डायरेक्ट आके इस थाने में आप आवेदन देके अपना केस को लॉन्च करवा सकते हैं।